सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की बर्थडे वीडियो स्टार्टर्स एडिटिंग करने के लिए काइन मास्टर में, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जो कि आपको फुल ट्यूटोरियल आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, उसके लिए आपको पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस आइकन में जाना है। उसके बाद आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद इधर एक ऑप्शन है सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद, ये एडिटिंग है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड में एक ऑप्शन है फिल स्क्रीन, उसको सिलेक्ट करके बैक करना है। उसके बाद आपको मीडिया में जाना है। जिसके भी आपका बर्थडे स्टेटस बनाना चाहते हैं उसका फोटो आपको इधर से 7, 8 या 10, 12 फोटो आपको इधर से ऐड करना है। तो देख सकते हैं ऐसे आपको फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपने जो फोटो ऐड किया था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर एक ऑप्शन है क्लिप ग्राफिक्स, देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको दिखाएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये एक इफेक्ट है मेमोरी लेन, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद नीचे आएंगे, गेट मोर ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेटा ऑन रहेगा, आपको क्लिक ग्राफिक्स एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये इफेक्ट को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है मेमोरी लेन। तो डाउनलोड करने के बाद इधर आपको शो करेगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको शो करे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फास्ट जो एक वन नंबर लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इधर आपको इसी तरह का इफेक्ट देखने मिलेगा। उसके बाद आपको ये जो इमेज आपने सिलेक्ट किया था उसको आपको 2 सेकंड तक ले आना है। तो देख सकते हैं ड्यूरेशन आपको दिखा रहा है ऊपर से, तो उसको आपको 2 सेकंड तक ऐसे करके आपको 2 सेकंड तक ले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड फोटो में क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, मेमोरी लेन में जाना है, सेकेंड इफेक्ट आपको इधर से ऐड करना है, उसको भी आपको 2 सेकंड तक आपको ऐसे खींच के ले आना है। उसके बाद आपको थर्ड इमेज में क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक्स, मेमोरी लेन, उसके बाद थर्ड इफेक्ट आपको क्लिक करना है, उसको भी आपको 2 सेकंड तक ऐसे करके ले आना है। तो ऐसे करके आपको जितने ही फोटो ऐड किया था टोटल आपको 15 सेकंड तक बनाना है। जितने ही फोटो आपको 15 सेकंड तक होगा उतना फोटो आपको ऐड करना है, बाकी का आपको डिलीट करना है। उसके बाद ये क्लिप ग्राफिक्स में जाके एक एक करके आपको इफेक्ट डाल देना है। तो फिलहाल अभी मैं सभी इमेज, जितने भी इमेज में ऐड किया हूँ उतना इमेज में अभी इफेक्ट डाल देता हूँ। उसके बाद सभी इमेज को ड्यूरेशन जो कि 2 सेकंड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं मैं जितने भी इमेज था एक एक करके सभी इमेज में मैं इफेक्ट डाल दिया। उसके बाद इमेज को 2 सेकंड तक ले है। तो देख सकते हैं हमारा सभी इमेज इफेक्ट ऐड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है। आपको एक वीडियो मैं दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आपको पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको इधर से ऐड करना है। तो इसे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करें, नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है ब्लेंडिंग, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारा वीडियो कितना अच्छे से तैयार हो गया। ऊपर आपको हैप्पी बर्थडे लिखा आ रहा है, नीचे आपको बैलून भी है, देख सकते हैं जो कि एनिमेशन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी लग रहा है। उसके बाद उसको और ज़्यादा इफेक्ट बनाने के लिए आपको फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर में जाना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन है कि ओवरले, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इधर आपको एक इफेक्ट को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है देख सकते हैं कैंडिन स्काई स्पोर्ट, तो उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे आएंगे, इधर आपको गेट मोर में जाके आपको ये इफेक्ट जो कि ओवरले में जाके ये इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है नेट ऑन करके। डाउनलोड करने के बाद आपको इधर आपको शो करेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फास्ट में जो इफेक्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं मैं अभी प्ले करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा इफेक्ट ऐड हो गया है। तो इसी तरह आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। आपको क्या करना है, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको खींच के इसको आपको थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करके ये जो आपका जो लाइन है उसके ऊपर आपको ऐसे करके रख लेना है। फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर में जाना है, फिर से ओवरले में जाना है, फिर से वही इफेक्ट में जाके सेकेंड नंबर आपको एक इफेक्ट मिले उसको भी आपको ऐड करके थोड़ा आपको प्ले करके देख लेना है। तो देख सकते हैं ये इफेक्ट है। उसके बाद आपको इसको भी खींच के ये ऊपर आपको थोड़ा छोटा आपको कर लेना है। करके आपको ये ऊपर में आपको इस कॉर्नर में आपको सेट करना है। सेट करने के बाद आपको ये 2 इफेक्ट को वीडियो जितना तक है 15 सेकंड तक आपको लास्ट तक आपको खींच के ले आना है। तो खींच के ले आने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा स्टार्टस लग रहा है। 2 इफेक्ट आपको इधर से ऐड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा वीडियो जो कि तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको जो कि गाना ऐड करना है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है। उसके बाद आपको ऑडियो में जाना है। जाने के बाद जिधर भी आपका हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग है, बहुत सारा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, अगर सर्च करेंगे MP3 तो इधर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इधर आपको फोल्डर में आ जाना है, जिधर भी आपका सॉन्ग है उसको आपको इधर से ऐड करना है। तो फिलहाल अभी मैं कोई भी सॉन्ग ऐड नहीं करता, आप इसी तरह से सॉन्ग ऐड करेंगे तो देख सकते हैं हमारा कितना अच्छी तरह से तैयार हो गया। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको
एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, उसके बाद आपको फुल HD में 60 फ्रेम रेट में आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।